हे गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एंसेबल के थ्रू हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं AWS में। सो हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा बात कर ली थी एंसेबल के बारे में कि एंसेबल क्या है, कैसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह। सो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके उन वीडियोस को देख लो। आपको जस्ट जाना है डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। आपको जस्ट उस पर हिट करना है एंड वो वीडियो प्ले हो जाएगी, एंड उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो ज़्यादा बेस्ट है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, राइट। सो अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आती रहती हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहोगे। सो ये वीडियो आपने बहुत ज़्यादा मेरे को बोला कि यार EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के ऊपर बनाओ, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के बारे में बताओ। सो मैं बना रहा हूँ, राइट। सो अभी क्या करना है कि एंसेबल मेरे पास इंस्टॉल है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है कि आपने अगर वो पहले वाली वीडियोस देख ली होगी तो होपफुली आपने सारा का सारा सेटअप पहले से कर लिया होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, जस्ट विम करना है एंसेबल में और होस्ट वाली फाइल के अंदर, और आपको आ जाना है सबसे लास्ट में। स्टार्टिंग से तो ये फाइल आपको इस तरीके से दिखेगी, एंड में ये आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, राइट। आपका ग्रुप कुछ भी नेम से हो, क्योंकि हम ग्रुप को तो यूज़ करने नहीं वाले हैं, राइट। आप सीधा सीधा IP भी दे सकते हो, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। सो लोकल होस्ट मैंने यहाँ पर दिया है। लोकल होस्ट क्यों, लोकल होस्ट को ही मैं क्यों टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि लोकल होस्ट पे मेरा इंटरनेट एक्सेस है, राइट। यहाँ पर आप कोई और भी मशीन टारगेट कर सकते हो, आपको एक मशीन को टारगेट करना ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी YAML जो हम क्रिएशन करेंगे वो आपकी चलेगी नहीं, राइट। तो आपको एक मशीन को तो टारगेट करना ही होगा ताकि आपकी EC2 इंस्टेंस उस मशीन के थ्रू वहाँ पे लॉन्च हो AWS पे, राइट। सो इसको करते हैं सेव एंड क्विट। होपफुली आपने ये एंट्री कर दी होगी। मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इस पे इंटरनेट एक्सेस है, राइट। पब्लिक IP आ रही है और मैंने वो पैकेट्स ना जाए मैंने इस चीज़ को ऑफ कर रखा है। सो यहाँ पर अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी YAML प्लेबुक, हम वो चीज़ लिखेंगे ताकि हम उसको रन करते वक्त मॉड्यूल को यूज़ करते हुए, हम EC2 की सर्विस को यूज़ करते हुए हम एक इंस्टेंस लॉन्च कर पाएँ AWS पे। सो उस चीज़ के लिए हम करेंगे लिखेंगे YAML, राइट। सो vim EC2 इंस्टेंस डॉट YAML, फाइल का नेम कुछ भी हो, डॉट YAML आपका फाइल टाइप सेम होना चाहिए, राइट। तो YAML हम क्रिएट करेंगे, राइट। सो माइनस 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 थ्री टाइम्स एंड नेम, व्हाट इज़ नेम। सो नेम क्या है, जब आप अपनी YAML को हिट करोगे, रन करोगे, तो देन आपका वो हेड पे टॉप पे आपको शो करेगा कि आपकी अभी कौन सा प्रोसेस चल रहा है, राइट। सो यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं, जस्ट राइट। सो मैंने रैंडमली ऐसे कुछ भी लिख दिया, होस्ट लोकल होस्ट, राइट। अब आएंगे आपके टास्क। सो टास्क हम कौन कौन से परफॉर्म करने वाले हैं, सबसे पहले नेम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेम, मैं यही चीज़ लिख दूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने किया कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर हम करेंगे EC2, क्योंकि EC2 हमारा एक मॉड्यूल है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले EC2 मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए। सो सबसे पहले है आपका की नेम, राइट। आपकी की नेम कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैं वीडियो पहले बना रहा था और काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। सो यहाँ पर क्या है कि अब हम जाएंगे की पेयर के अंदर। सो ये मैं की पेयर यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैंने की पेयर नेम यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब जो कि आपका और भी इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रीजन। रीजन आप कौन सा दे रहे हो, रीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं यहाँ पर दूंगा AP South 1,
एपी साउथ वन ये किसके लिए है? ये है आपका मुंबई के लिए। ये आपको मिलेंगे कहाँ से? ये आपको मिलेंगे जैसे आपको जाना है ब्राउज़र पे और आपको जाना है गूगल, गूगल पे आपको लिखना है AWS रीजन लिस्ट। देन आपको जो पेज मिलेगा फर्स्ट राइट, आपको उस पेज पे आना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सारे के सारे कोड वहीं पर ही मिलेंगे रीजन्स के राइट। तो आपको उसमें से जिस भी रीजन में आपको अपनी EC2 लॉन्च करनी है उस रीजन का कोड लेना है वहाँ से राइट। तो मैंने लिया है मुंबई का। सो यहाँ पे अब हम आएंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इंस्टेंस टाइप। तो मैं इंस्टेंस टाइप कौन सा यूज़ करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ t2.micro राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आएगा हमारा इमेज। इमेज क्या है? आपकी EMI राइट। तो EMI आपकी कहाँ से मिलेगी? आपकी मिलेगी EC2 में जाना है आपको। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है लॉन्च इंस्टेंस के अंदर राइट। सो यहाँ से आपको मिलेंगी आपकी EMI की IDs जो कि है ये। मैं रेड हैट के ले रहा हूँ राइट। तो मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लूँगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है अब है हमारा ग्रुप। ग्रुप ग्रुप क्या है आपका? सिक्योरिटी ग्रुप। सो मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है Ansible राइट। सो मैं Ansible को हिट करूँगा। अब जो आपकी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि है आपका नेटवर्क। सो नेटवर्क मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मेरे केस में जो नेटवर्क है वो है VPC। सो VPC मैं यूज़ कर रहा हूँ AWS पे। सो अगर आप VPC यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाली एंट्री करनी है जो कि अभी मैं करने वाला हूँ। अगर आप VPC यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको वो एंट्री करनी ज़रूरी नहीं है राइट। सो यहाँ पर क्या करना है? VPC सबनेट ID। अब ये अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको आना है सर्विस के अंदर, यहाँ पर आपको लिखना है VPC। VPC के अंदर आने के बाद आप क्या करोगे, जस्ट आप आओगे सबनेट्स के अंदर और यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे पब्लिक, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, पब्लिक एंड प्राइवेट जो भी है सो राइट। सो यहाँ से मैं इसका सबनेट कर लूँगा कॉपी एंड वापस आऊँगा यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। ये आपकी हो गई सबनेट ID राइट। अब जो होगा आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है आपकी, इसको पता कैसे चलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो कौन सा है, आपके किस अकाउंट में जाके ये इंस्टेंस को लॉन्च करना है वो आपके मतलब इसको पता कैसे चलेगा राइट। सो इसको पता कैसे चलेगा, ये है आपका IAM राइट। सो IAM में आने के बाद आपके आएंगे एक्सेस कीज़ एंड सिक्योरिटी कीज़, सो सीक्रेट कीज़ सॉरी। सो आपको आना है डिलीट योर रूट एक्सेस कीज़। सो इसके अंदर आने के बाद मैनेज सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, देन यहाँ से आपको इसको कंटिन्यू कर देना है जस्ट सिंपल। एंड ये रहा आपका एक्सेस कीज़ ID एंड सीक्रेट एक्सेस की। सो आपको इसको करना है बस। और यहाँ से अगर आप पहले कभी यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपकी एक्सेस की ID क्या है एंड सीक्रेट की ID क्या है। सो मेरे केस में मैं तो काफ़ी सारी क्रिएट कर रखी थी एंड इनएक्टिव कर दी, और ये वाली जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसको भी मैं यूज़ करने के बाद जस्ट डिलीट कर दूँगा ताकि मेरे इंस्टेंस में कोई और यूज़ ना कर पाए। सो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी सीक्रेट कीज़ एंड एक्सेस कीज़ किसी से शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ शेयर कर रहे हो किसी से तो मैं आपको बता दूं कि ये कीज़ आपकी रूट की कीज़ हैं। अगर उसके हाथ में ये है तो वो आपके अकाउंट में वो सारी चीज़ें वो सारी सर्विसेज यूज़ कर सकता है राइट। आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है, तो आपको ये चीज़ किसी से भी शेयर नहीं करनी है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और आपको ये लिखनी किस तरीके से वो मैं आपको जस्ट एक सेकेंड में लिख के मिलता हूँ। नाउ ये है मेरी AWS एक्सेस की एंड AWS सीक्रेट की राइट। मैं इसको डिलीट कर दूँगा ये यूज़ करने के बाद एंड इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद। सो अब आते हैं सबसे एक चीज़ और कि अगर आप मतलब मैंने यहाँ पर VPC सबनेट तो यूज़ कर रहा हूँ पब्लिक वाला, बट क्या पता अगर मेरी पब्लिक IP आए या ना आए फिर भी। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं असाइन पब्लिक IP को यस कर दूँगा ताकि जब भी ये लॉन्च हो तो यहाँ पर पब्लिक IP असाइन हो जाए इसको।
एक चीज़ और, ये है आपका काउंट। काउंट क्या है? काउंट है आपका, अगर आप एक मशीन लॉन्च करना चाहते हो, दो मशीन लॉन्च करना चाहते हो, तीन मशीन लॉन्च करना चाहते हो, तो जस्ट आपको यहाँ पर काउंट 1, 2, 3। अगर आपको थ्री मशीन्स लॉन्च करनी है तो जस्ट आपको यहाँ पर लिख देना है 3, एंड वो आप समझ गए होगे। सो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1 सिंपल, और कर दूँगा सेव एंड क्विट। एंड यहाँ से हम चेक करते हैं अपनी अपनी YAML फाइल को कि ये सही है या गलत है। सो प्ले बुक कैपिटल सी EC2 लाइक दैट। सो यहाँ पर हमारी जो स्क्रिप्ट है, YAML फाइल जो हमने बनाई है, वो एकदम करेक्ट है, राइट। अब हम इसको, हमने किया है माइनस सी, मतलब हाइफन सी। सो हाइफन कैपिटल सी का मतलब होता है चेक। अभी इसने सारे के सारे टास्क परफॉर्म नहीं किए होंगे। सो अगर आप यहाँ पर आएंगे EC2 के अंदर, EC2 के अंदर आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी अभी रनिंग पे नहीं है, ज़ीरो है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये हटा दूँगा, एंटर। अब देखते हैं कि हमारी इंस्टेंस लॉन्च होती है या नहीं। अब यहाँ पर ये एक एरर आ रहा है, जो कि आ रहा है बोटो रिक्वायर्ड फॉर दिस मॉड्यूल, राइट। सो हमको क्या करना है, पिप इंस्टॉल बोटो, राइट। तो बोटो हमको इंस्टॉल करना है अपनी मशीन पे। तो बोटो इंस्टॉल करने के बाद अब हम करेंगे इसको रन, राइट। तो हमारी हो जाएगी इंस्टेंस लॉन्च। अब देखते हैं ज़रा इसको इंस्टेंसेस के अंदर आके, तो ये आप देख सकते हो ये इंस्टेंस अभी अभी पेंडिंग है, जो कि अभी अभी आई है, राइट, जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है। सो इसको पब्लिक आईपी भी मिल चुकी है, और इसमें हमारी रेड हैट चल रही है, राइट। सो रेल 7.5। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, राइट। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू to all of you for supporting me and subscribing me. Thank you a lot. Bye bye and take care. Next video mein milte hain.